तो हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब। तो गाइस, अगर आपके पास साइकिल है या फिर आपके पास बाइक है, तो गाइस एक ऐसी टूल मार्केट में अवेलेबल है जिस टूल की मदद से जो है ना, आप आपके साइकिलिंग का काम घर पे भी कर सकते हो या फिर बाइक का जो नट बोल्ट होता है उसको आप खोल सकते हो इजीली। कभी कभी गाइस ऐसा ऐसा छोटी मोटी सी हमारे काम आ जाते हैं कुछ ऐसे ऐसे टूल्स जिस टूल को जो है ना हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ एलन की के बारे में। तो गाइस जी हाँ, एलन की के एक ऐसी टूल है जो कि आज के डेट में जितने भी बाइक्स आ रहे हैं उसमें यूज होता है। उस बोल्ट जो है उसी तरीके का वो एलन की वाला बोल्ट यूज होता है। तो उसको खोलने के लिए हमको एलन की सेट चाहिए। तो आज की इस वीडियोस में मैं आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कि एलन की सेट दिखाने वाला हूँ। गाइस इसका प्राइस जो है गाइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और गाइस आप देख सकते हो हमारा जो है एलन की सेट, ठीक है। इसमें गाइस 10 है। अगर आप मार्केट से लोगे या फिर ऑफलाइन लोगे या फिर ऑनलाइन लोगे, ठीक है, एक इसका भी एक अलग सा वर्जन आता है जो कि बॉक्स में आता है, उसमें आपको 9 एलन की सेट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें गाइस हमारा है 10 एलन की सेट, मतलब एलन कीस, ठीक है। तो और एक चीज़ गाइस, मैंने गाइस कुछ दिन पहले एक ड्रिल मशीन का वीडियोस बनाया था, ठीक है, आपको याद ही होगा अगर आप मेरा रेगुलर सब्सक्राइब मतलब व्यूअर्स हो, ठीक है। तो उसमें गाइस मैंने एक ऑनलाइन से एक ड्रिल मशीन का जो ड्रिल बीट सेट होता है मैंने लाया था, लेकिन गाइस वो जो ड्रिल बीट था वो थोड़ा सा फर्जी था, मतलब कि नकली वाला था, इसीलिए गाइस वो जो है किसी भी मटेरियल पे होल नहीं कर पाता था। तो गाइस जेके ब्रांड का एक मैंने आज ड्रिल मशीन मतलब ड्रिल बीट लेके आया हूँ, जिसको मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और होल करके भी दिखाएंगे मेटल के सीट पे, ठीक है। तो गाइस ये है जेके ब्रांड का एक ड्रिल बीट, ठीक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पूरा मेटल का है, मतलब पूरा स्टेनलेस स्टील का है, ठीक है। तो चलो इसको जो है गाइस किसी भी मतलब हमारे ड्रिल मशीन में लगाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने ड्रिल मशीन को टेस्ट किया था अलग अलग चीज़ों पे, मेटल पे नहीं किया था। तो आज हम एक मेटल के सीट के ऊपर इसको जो है होल्ड करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको भी दिखा लेते हैं। तो चलो शेयर है मेरा एलन की सेट, तो चलो इसको गाइस पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब इसको निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस इसको निकालने के बाद ये गाइस एलन की सेट है। गाइस एलन की का जो हमारा बीट है मतलब कि वो नहीं है, मतलब कि एलन की के जो नॉट होता है वो मेरे पास नहीं है, जिसको कि मैं आपको खोल के बता पाऊँ, ठीक है, मतलब कि खोल के दिखा पाऊँ। तो इसमें कुछ ये इस तरीके से आता है। ये गाइस ये 10 नंबर का है, ये 1.5 mm का है, 2 mm का है, ऐसे ऐसे करके गाइस 10 एलन की है। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, गाइस आप देख सकते हो काफ़ी मतलब कि ब्रांड में मैं भी ब्रांड बता देता हूँ आपको, रॉयल का है, तो गाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, रॉकेल ब्रांड का है। ये 10 mm वाला है रॉड, आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखता है, ठीक है। ये गाइस आपको अभी यहाँ पे दिखा हुआ है कि 10 mm, ठीक है, ये 10 mm का है। ये हर बीट के अंदर जो है आपको नंबर लिखा होगा, ये 8 mm का है, ठीक है गाइस, 8 mm का है। उस तरीके से ये 1.5 mm का है, मतलब हर चीज़ हर तरीके का जो है एलन की इस सेट के अंदर है, जो कि काफ़ी आपको आगे जाके काफ़ी काम में आने वाला है। ये गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस कितना है, मेरे को पड़ा ये गाइस मेरे को 180 का पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन से मैंने लिया हूँ इसको, बेहतरीन वाला ये गाइस हमारा जो है एलन की है, ठीक है। तो चलो गाइस मैं और एक चीज़ को दिखा देता हूँ कि आज मैंने आपको बताया था कि हम हमारा ड्रिल बीट को यूज़ करेंगे, मतलब ड्रिल बीट का यूज़ करके दिखाने वाले हैं कि ये मेटल को होल कर पाता है या नहीं। तो चलो इसको इससे हम होल करते हैं। तो गाइस मेरे पास अभी एक ऐसी तरीके से मेटल है, तो गाइस ये वाला जो मेटल है गाइस इसके अंदर यहाँ पे हमें होल करेंगे, ठीक है। तो चलो हम होल करते हैं, तो फिर हम ड्रिल बीट को लगाएंगे। तो यहाँ पे होल करेंगे, तो चलो यहाँ पे होल करते हैं। लेकिन होल करने के लिए गाइस ये जो बीट है ये हमारा कंक्रीट में टकराएगा, इसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर इसको रखते हैं और होल करते हैं। चलो
तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बीट जो है इस तरफ आ, फोकस करने दो यार। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बीट आर पार हो चुका है और ये प्लेट काफ़ी ज़्यादा हीट भी है, ठीक है। तो ये हमारा होल और थोड़ा सा बाकी है, तो चलो इसको भी कर देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गाइस होल हो चुका है, ठीक है। तो होल हो चुका है गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, एक होल मैंने यहाँ पे भी किया था और एक होल यहाँ पे हो गया है, ठीक है।